अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा कैमरामैन ये आपको पहले पहले बाइक दिखाएगा। इस बाइक के खरीदने वाले हैं, सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं मोहम्मद तारिक खान चाइना साहब जो कि जामपुर से तशरीफ लाए, और इसके बाद मोहम्मद बिलाल खान जखाड़े, इसने बहुत ज़्यादा बाइक इस्तेमाल करनी है, ये इलेक्ट्रिक। तो तारिक भाई की तो वैसे भी कार है, इस बिलाल भाई को खरीद कर दे रहा है। तो मोहम्मद बिलाल खान जखाड़े, सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो गई, भाई को नहीं देते क्योंकि भाई का आपने इस्तेमाल करनी है इसलिए आपको दे रहे हैं। भाई साहब, डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस ने पूरे पाकिस्तान, क्या पूरे पाकिस्तानों को परेशान करके रखा है कि जिस तरह पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हुआ है, बड़े बड़ों की इसने चीखे निकाल दिया है। एक जो दिहाड़ीदार बंदा है, जो मुलाजिम है, जो कारीगर है, और जो खासतौर पर बिजनेस में तबका है, उसका तो जो कमाता है सिर्फ पेट्रोल ही गाड़ी में डलवाता है और उसका कुछ भी नहीं बचता पूरा घर चलाने के लिए। तो इसी बढ़ती हुई पेट्रोल की वजह से जो आज हमारे यहाँ तशरीफ लाए मोहम्मद तारिक खांडा, तो यह आपको बताएंगे कि पेट्रोल ने इनको इतनी हद तक परेशान किया है कि इनके बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी फीस सिर्फ 1500 रुपये है, जो उनका पेट्रोल का खर्च आता है एक मंथ का वो 20,000 का है। तो उन्होंने इसी वजह से ये बाइक परचेस किया है। तारिक भाई, सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, तो आपने इस महंगे दौर में बहुत ही अच्छा फैसला किया है, तो क्या आ रहा है इस बाइक के बारे में? सर, अच्छा जी, पेट्रोल दी बचा तो छोटे बच्चे स्पीड ना मरे, बड़ी गाल है, पेट्रोल स्पीड में सर ढा से फायदा का नहीं, ये सुकून वगैरह सर। जी जी भाई साहब, आपने बच्चों को स्कूल पहुंचाना भी है, लेकर भी जाना है। जो आप पेट्रोल वाली बाइक इस्तेमाल करते हो उसमें गेयर है, क्लच है, धुआं है, चमचा है, गर्मेश है, प्रेशर है, तो इसमें क्या फायदा? ये जो आप बाइक ले जा रहे हो क्वालिटी भी अच्छी है, तो चंगी है। जी जी, पहले भी आपने एक बाइक इस्तेमाल की उससे बेहतर है। भाई साहब, आपने वीडियो देख ली, एक बार फिर मेरा कैमरामैन ये बाइक देख रहा है, ये जो नसीब में आई मोहम्मद तारिक और बिलाल के नसीब में आई, ये लेके जा रहे हैं। तो जो भाई पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं, इनके वाहिद डीलर पूरी मुल्तान हो गया, डेरा गाजी खान हो गया, जामपुर, संगसरवार और ये गिरदुलवा के जो भी इलाके हैं, तो आप सिर्फ गुलाम यासिन से रब्ता करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक बाइक आप उसी वक्त लेकर जा सकते हैं। तीनों भाइयों ने भी ऐसा किया, ये आए गुलाम यासिन साहब से रब्ता हुआ और इलेक्ट्रिक बाइक लेके जा रहे हैं। सबसे पहले इनको मुबारकबाद देते हैं। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, जो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।